प्रायोजक बैलकोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का करेंगे शिलान्यास। मिर्जापुर में करेंगे रोपवे का उद्घाटन। विंध्याचल कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। अगस्त में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेंगे भारत। 2 साल का होगा भारत का कार्यकाल। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की तैयारी। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का किया फैसला। फेसबुक पोस्ट के जरिए दिया संन्यास की जानकारी। लिखा 2014-2019 में बहुत अंतर। बाबुल सुप्रियो के राजनीति से संन्यास के फैसले पर बीजेपी ने कहा पार्टी आलाकमान करेगी बात। टीएमसी ने कटाक्ष करते हुए कहा बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे बाबुल। देश में कोरोना के मामले में फिर बढ़े अकेले केरला में। देश के लगभग आधे केस। केंद्र ने 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का दिया सुझाव। दिल्ली में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के लिए सीएम केजरीवाल ने केंद्र को बताया जिम्मेदार। कहा वैक्सीन की कमी के कारण स्केल अप नहीं कर पा रहे। मौसम विभाग ने देश के कई भागों में भारी बारिश की दी चेतावनी। कहा उत्तर और मध्य भारत में अगले 4 दिन बेहद अहम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में रेड अलर्ट जारी। लखनऊ को सीएम योगी की सौगात। मोहनलालगंज में ओपन जिम और मिनी स्टेडियम का किया उद्घाटन। टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन खेल के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम को दी बधाई। उत्तराखंड में 34 आईएएस अधिकारियों के तबादले। अभिषेक रोहिले बने देहरादून नगर निगम के आयुक्त। अल्मोड़ा की जिलाधिकारी बनी वंदना सिंह। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले यूपी के खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा इनाम। सीएम योगी का ऐलान। स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़। रजत पदक के लिए 4 करोड़। कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 2 करोड़। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी में 4 लाख तीव्र कुपोषित बच्चे। पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बंद पड़े हैं। मथुरा से बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के 2रे चरण की हुई शुरुआत। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। अयोध्या के संतों ने की प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा अन्य पार्टियों को भी बीजेपी से लेनी चाहिए सीख। सीतापुर में मंत्री स्वाति सिंह ने बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन पर कसा तंज। कहा चुनाव के वक्त बसपा रणनीति बनाकर किसी न किसी समुदाय को टारगेट करती है। विपक्षी एकता पर शफीकुर रहमान बर्क ने उठाया सवाल। कहा पक्ष को लामबद्ध करना ममता के बस की बात नहीं। उत्तराखंड बोर्ड के परिणाम जारी होने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने छात्र छात्राओं को दी बधाई। कहा इस बार टॉपर्स की सूची जारी नहीं की गई। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिया आदेश। मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों की डेडलाइन की तय। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सियासत जारी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा जमीनी हकीकत पर जाना पड़ेगा। उत्तराखंड में रोजगार स्वरोजगार के मुद्दे पर सियासत जारी। कांग्रेस ने कहा सरकार पर रही ठगने का काम। बीजेपी ने कहा सरकार पूरा करेगी वादा। अमरोहा में पूरा नाम के बदमाश की 67,50,000 रुपए की चल अचल संपत्ति की मुनादी कराकर किया गया कुर्क। चंदौली में लतीफ शाह बांध पर सैलानियों की उमड़ी भीड़। प्रकृति की नैसर्गिक छटा को देखने सैलानियों की लगी भीड़। बाराबंकी में गैस सिलेंडर के धमाके में के बाद लगी आग। 2 बच्चों समेत 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी। खाना बनाते समय हुआ हादसा। उत्तरकाशी में बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड से उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे बंद। हाईवे से हटाया जा रहा है मलबा।